जो अपनी चोली में छुपा कर रखी होगी उसे मैं चोली
जो साले की आंचल में छुपा कर रखी होगी, मैं उसको तलवार से आंचल काट दूंगा। अरे भाई ना बेटा, ये तलाशी लिए पूरे छत Yeah.
दुनिया को घेरा, अच्छा कोई नाम नहीं हुआ था। अब ईंधन नहीं मिला, समझ लो उड़न का जान निकल गया प्रभा। भैया देवा, मैं बिना ईंधन लिए वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी भाभी लक्ष्मीया नैना वाली मुझसे प्रश्न पूछेगी कि देवर जी आप तो आए लेकिन मेरे बेटे का खिलाना कहा है। जब तक मोहप्पा में नहीं जाएगा तब तक कैसे पता चला कि ईंधन मोहप्पा में गए और मेरा में खो गए। भैया देवा, वो को न पुहले करू दलम होबा जाएगा, वो रसता जो हाथ भा बिहोती मोहबारा। What?
का देवा, मेरी बात मानो, साथ साथ आप पिंडरी को चला जाओ प्रधान। आज तक मैं कभी नहीं दुखद को समय में मैं कैसे छोड़कर चला जाऊंगा। संसार में मानव का जीवन एक संघर्ष है, जो मानव संघर्ष से डर जाएंगे। आप देखते हैं इस कलयुग में ऐसे ऐसे युवक हैं, ऐसे ऐसे युवती हैं, जो कोई विष खा लेते हैं, कोई फांसी लटक कर मर जाते हैं, कोई ट्रेन से कूद कर मर जाते हैं, जो कोई जल में डूब कर मर जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहे हैं, जो मानव संघर्ष करने से डर कर मर जाएंगे वह कायर कहलाएगा। मानव के जीवन में बहुत सा संघर्ष लिखा हुआ है, दुख और सुख दोनों भाई हैं। आज दुख लिखा है पर फिर सुख होगा, इस बात से डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग मानव हैं। मानव को जीवन में बहुत सा दुख आते हैं, बहुत से सुख जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, तुम पिंजरी चला जाओ। यदि इंद्र नहीं मिला इस दुनिया में तब तक मैं मोहब्बा वापस नहीं जाऊंगा। इंद्र मिलेगा इसके बाद मैं मोहब्बा में कदम रखूंगा। छोटा सा मेरा ये पर्वत की समान है, इस समय में कैसे चले जाऊं भैया देवा। यह आपका कहना भी उचित है, मित्र और दुख देखकर जो मित्र दुखारी नहीं होते वो मित्र नहीं होते हैं। संसार में चार प्रकार के मित्र होते हैं, कोई धन के लोभ से मित्रता करते हैं, तो कोई ऐसे मित्र होते हैं उसको घर में सुंदरी नारी या बहन हो उसके लोभ से मित्रता करते हैं, और ऐसे मित्र होते हैं जैसे सुदामा कृष्ण को मित्रता हुआ, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सुग्रीव को मित्रता हुआ। ऐसे ऐसे मित्र संसार में नहीं है जैसे उदन और देवा को मित्रता हुआ। यह मित्रता पर कभी शंका नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप पिंजरी चला जाओ, मैं दुख सह लूंगा, बाद में दोनों भाई मिलेंगे और एक ही साथ रहेंगे। Thank you.